मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक और प्लेटफॉर्म मिला है अपने पसंद करने वालों के साथ कनेक्ट करने का और कंटेंट बाहर डालने का, वीडियोस, फोटोज़, लाइव सेशंस, जो भी हो. तो या इट्स वेरी एक्साइटिंग. कहाँ से ख्याल आया कि कैप लॉन्च होना चाहिए फैंस के लिए? एक्चुअली ये ऐप मेरे पास में आया है, एस्केप एक्स के पास से वो लेके आए हैं कॉन्सेप्ट मेरे लिए, विच आई फाउंड वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग. तो आई वॉज लाइक, या वाई नॉट, वाई शुड आई लेट गो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. सो या ऐप का नाम भी आपने रखा, अपने नाम से नहीं किया है ना, जी. तो किस तरह से लोगों को ये पहुंचेगा आपका और कैसे पहुंचेगा? तो बहुत ही इजी है. मैं बहुत टेक सैवी इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए भी बहुत इजी है यूज़ करना. तो जस्ट ऐप स्टोर पे जाके बस मेरा नाम टाइप कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड इट तो कब से अवेलेबल फॉर होगा ये? फ्री. तो कब से अवेलेबल होगा यार? फॉर फ्री, या सी, फ्री. तो कब से अवेलेबल होगा ये फैंस ये के लिए? अभी अवेलेबल है, तो अभी प्लीज़ ओपन योर फोन्स एंड डाउनलोड मी. आप सोशल मीडिया पे भी हैं और एक ऐप लॉन्च जी. कर, तो दोनों कैसे मैनेज करेंगे? पर ये भी एक सोशल मीडियम ही जी है, जी तो ये सब, आई थिंक एवरीथिंग कम्स अंडर सोशल मीडिया. और दोनों मैनेज, मतलब अब मेरी लाइफ में मुझे जो भी बाहर डालना है मैं डाल सकती हूँ ना, और बहुत कंटेंट है डालने के लिए. तो देर इज़ नेवर लॉस, मतलब ऐसे नहीं है कि कंटेंट कम है मैं किस पे डालूँ, बहुत कंटेंट है. तो किसी पे भी, जिस पे भी मन कर रहा है डाल दूँगी. आजकल हर सेलिब्रिटी देखें तो अपनी प्राइवेसी रखते हैं कि अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया हो या मीडिया से इंटरव्यू करते हैं, तो जी. आप ऐसी कौन सी बातें इसमें शेयर नहीं करना चाहेंगी? जिस पे शेयर नहीं करना चाहूँगी, आई थिंक बहुत ही जो पर्सनल चीज़ें जी हैं, या दैट्स इट. एंड आई थिंक जो भी, अगर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो फाइनलाइज नहीं है, वो जी सब जो भी फाइनल नहीं है लाइफ में, फाइनल वो मैं नहीं शेयर हमने करूँगी. देखा है फैन कभी हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि कोई भी उनकी जो फेवरेट फेवरेट एक्ट्रेस है जी तो जी उनकी अपकमिंग मूवी के लिए, तो इस ऐप पे जब आएंगे तो आपसे हमेशा क्वेश्चन ही पूछेंगे कि आप जी वो जी हमेशा पूछते हैं. जी तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? मैं जो भी फाइनल है, जिसके लिए भी मैं शूट करने वाली हूँ नेक्स्ट, मैं हमेशा उन्हें डिटेल्स देती हूँ उसके बारे में कि क्या चल रहा है, कहाँ पे शूट चल रहा है. तो या जो भी फाइनल है उसके बारे में 100%, जो फाइनल नहीं है उसके बारे में बात कर ही नहीं सकते. बैंगलोर से मुंबई तक का कैसा सफर रहा आपका? बहुत ही अच्छा सफ़र है. आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे एक्चुअली हमेशा से ही एक्टर बनना था. मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ बैंगलोर से, कोई फिल्म से मेरा कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन आई रियली ऑलवेज हमेशा से एक्ट्रेस बनना था और आज बन गई हूँ, विच इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी और आई नीड टू डू वेरी 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 बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस करने हैं अभी. कोई रोल मॉडल जिसको आपके लिए आपने देख के उनको फॉलो मुझे किया है? दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है. वो भी एक बैंगलोर गर्ल है, मैं भी जी एक बैंगलोर गर्ल हूँ, तो वो एक एक जैसे रोल मॉडल जैसा कनेक्शन होता है. एंड या आई थिंक शी इज़ अमेजिंग. कैरेक्टर जो आने वाले टाइम में करना चाहें? बहुत सारे हैं, जो काफ़ी सारे दीपिका पादुकोण, जैसे पीकू, पीकू ऐसा कैरेक्टर कोई करूँ, फिर जो कॉकटेल में उन्होंने किया था वेरोनिका का, वैसा कैरेक्टर कोई करूँ, क्वीन जैसा, जब वी मेट, ये सारी मूवीज, ये जवानी है दीवानी जो मेरी सबसे फेवरेट मूवी है, वैसा कोई कैरेक्टर करूँ. बहुत सारे हैं हर या किसी का सपना होता है कि अमिताभ बच्चन जी के साथ एक फिल्म करने का, जी जी हर एक्टर का जी सुपर जी शहंशाह माना जाता है। जी अगर आपको कभी मौका मिले तो कौन सा किरदार करना चाहेंगे? अरे 100% उनके साथ में तो एनीथिंग एनीथिंग. जी. तो हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सव्यसाची पे शूट करने का. आई थिंक आई हैड बहुत मज़ा आया है उस सेट पे. बहुत एक चैलेंजिंग भी होता है शूट करना है एक ऐसी लैंग्वेज में जो आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको याद भी करना है, डायलॉग बोलना भी है, साथ में परफॉर्म भी करना है. तो इट्स नॉट एग्जैक्टली वेरी इजी, लेकिन बहुत मज़ा आया. एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, कोई प्रेशर नहीं था. मेरे जो डायरेक्टर है चैतन्या है, बहुत ही अच्छे लोग हैं उन लोग, और बहुत टैलेंट है. उन्होंने मुझे मुन्ना माइकल में देखा एंड देन दे केम टू मी, फिर मुझे पता चला इस प्रोजेक्ट के बारे में और बहुत अच्छा लगा. स्टोरी जेन्यूनली बहुत एक इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है. इसमें माधवन सर भी है जो विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है. और मैं अपनी अगली फिल्म भी चैतन्या के भाई के साथ ही कर रही हूँ, अखिल, अखिल. तो या आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स अ लॉट ऑफ फन.
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. चैतन्या बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है डेफिनेटली, और ही इज़ अ वेरी वेरी एकदम नेचुरल परफॉर्मर है वो. नेचुरल प्लस एक इंटेलिजेंट एक्टर के इंस्टिंक्ट्स है उसमें, तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. प्लस ही इज़ सो बहुत ईजी है उनके साथ में काम करना, कोई प्रेशर नहीं लगता है, कोई स्ट्रेस नहीं है. वो हमेशा स्माइलिंग इंसान है और पॉजिटिविटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा काम है. और आई रियली हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस, स्पेशली न्यूयॉर्क में जब हम लोग अभी गए थे शूट करने के लिए, बहुत ही मज़ा आया था. जी, ये तो मेरा डेब्यू का ही साल है. आई थिंक अभी क्या, अभी सब कुछ मिक्स हो गया है, यू नो, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड ये सब वो एक हो गए हैं, एंड इट्स सिनेमा. तो जहाँ पर भी अच्छी फिल्म है, जहाँ पर अच्छी स्क्रिप्ट है, आई थिंक रीजन्स को छोटा नहीं करना चाहिए एक एक्टर को. यू नो, यू शुड जस्ट कीप ग्रोइंग. और मुझे, मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे सब कुछ चाहिए लाइफ में, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे कुछ नहीं छोड़ना है. तो मैं नहीं छोड़ूंगी कुछ भी. नहीं, एक्चुअली इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस यूजुअली नहीं होता है, लेकिन हर सेट अलग होता है. आप हिंदी में भी 20 फिल्में कर लो, हर सेट अलग होगा, हर सेट का एक जो एक वाइब है अलग होगा, एक टाइमिंग अलग होगा, सब सब कुछ अलग होता है. तो इट्स द सेट दैट्स डिफरेंट, लेकिन इंडस्ट्री वेरी, आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग देयर. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. चैतन्या का जो भाई है अखिल, उनके साथ में है माय नेक्स्ट साउथ फिल्म. टाइटल आई नहीं, टाइटल अब मैं, पता है मुझे, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन लेट देम अनाउंस इट. आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल. हां, इस ऐप पे कितना टाइम स्पेंड करेंगे दिन में फैंस के लिए? हर 15 मिनट में एक बार खोलूंगी. शूटिंग तो के टाइम रहेंगे तो? देखो, शॉट के टाइम पे तो नहीं, शॉट के, शूटिंग के बाद, शूटिंग के पहले, लंच ब्रेक में, बहुत बार मैं बहुत टाइम स्पेंड करूँगी ऐप पे. या कौन सा? ओ, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन एवरीवेयर. नो, बट ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड हु, नथिंग हैज़ हैपन, ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड. एंड आई डिडंट इवन मीट हिम अलोन, देयर वर अ कपल ऑफ अस, बट एंड आई हैव नोन हिम फ्रॉम बिफोर ही बिकेम अ क्रिकेटर, आई बिकेम एन एक्टर. तो इट वॉज जस्ट फ्रेंड्स कैचिंग अप इन अ डिफरेंट सिटी, दैट्स इट, नथिंग मोर देन जी, दैट. आजकल एक ट्रेंड चल रहा है विराट कोहली के चैलेंज को, हमारे प्राइम हम मिनिस्टर ने फिट. एक्सेप्ट किया हाँ है, हाँ तो हाँ आप दिन में कितना वर्कआउट अरे, करते मैंने वो चैलेंज किया है, मुझे बस पोस्ट करना है, वो करती हूँ मैं आज. थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. क्या फिटनेस? क्या? फिटनेस का चैलेंज दिया ना मेरे हाँ. दोस्त करके, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन या या सेलिब्रिटी या सब कर रहे या हैं. या आई मैंने वो ट्रेलर एटलीस्ट 3-4 बार देखा है, बिकॉज इट वॉज सो सो अमेजिंग. आई थिंक कि मैं देख के सोच रही थी कि इतनी अच्छी एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है. एंड आई एम रियली जेन्यूनली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट मूवी. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सुपर सुपर हिट फिल्म. या रेस 3 के बारे में? जी, रेस 3 में तो ऑफकोर्स सलमान खान सर है, तो उनकी तो फिल्म है, तो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन. एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच रेस 3. तो या कल दैट मेरे लिए वेडिंग रिलीज हुई थी, जी तो भी देखने जाएंगे? ज़रूर, 100%. किस चीज़ के बारे में? ऐप के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये ऐप डाउनलोड करिए, बिकॉज़ यू विल गेट अ क्लोज़र, और बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे मेरी लाइफ के बारे में. और बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी लाइफ, जो मैं डालती हूँ उससे भी ज़्यादा है. तो डाउनलोड करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देखेंगे, न्यू थिंग्स और लॉट्स ऑफ कॉन्टेंट, लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन. तो या लॉट्स ऑफ स्टफ कमिंग अप. थैंक यू, थैंक यू.